आज तो स्कूल में मजा ही आ गया। जब मेरे प्रोजेक्ट की तारीफ हुई तो टीटू की शक्ल देखने लायक थी। आशु तेरे साइंस प्रोजेक्ट की कितनी तारीफ हुई ना, देखना एक दिन तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। थैंक यू जग्गू। तू कंपटीशन के लिए क्या बना रहा है? मैं क्या बनाने वाला हूँ वो एक सरप्राइज है, पर जो मैं बना रहा हूँ ना उसको सब लोग देखते ही रह जाएंगे। क्यों? बताना। अरे तू कंपटीशन का वेट तो कर, उस दिन ना तुझे सब पता चल जाएगा। ठीक है चल घर चलते। हाँ, चल। बहुत जल्द मैं एक यंगेस्ट साइंटिस्ट बनने वाला हूँ। रॉब मैं तुमसे कितने दिनों में मिलने वाला हूँ? आशु सर मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाऊंगा। गुड। रॉब स्कैन माय फेस। ओके सर। और बताओ प्रोग्राम में कोई खराबी तो नहीं? एवरीथिंग इज फाइन सर। आशु बेटा इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया? मम्मी मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। बेटा तुम क्या बना रहे हो? मम्मी मैं क्या बना रहा हूँ वो जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा ना तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। बेटा बहुत रात हो गई है। ठीक है मम्मी गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। थैंक गॉड पापा के पास ये स्ट्रक्चर पहले से ही रेडी था। मुझे इसमें सिर्फ फाइनल टचेस और इसकी प्रोग्रामिंग करनी है एंड इट्स ऑल डन। ये मास्क जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। रियल लुकिंग हेयर। एंड आवर रोबोट इज रेडी। मोबाइल एक्टिवेट रॉब। एक्टिवेटिंग रॉब सर। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? अरे वाह मम्मी ये देखो रॉब मतलब रोबोट मैंने बनाया है। बेटा ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। हेलो आशु सर। हाय रॉब। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। रॉब आज तुम पहली बार अकेले पब्लिक एरिया में जा रहे हो। आज तुम्हारा टेस्ट है कि तुम प्रॉपरली रेडी हुए कि नहीं। मैं ना तुम्हें अपने फोन से कंट्रोल करूंगा। अभी तुम्हें जग्गू के पास जाना है और उसे ये रियलाइज कराना है कि तुम आशु हो रॉब नहीं। मैंने तुम्हें चिप लगा दी है जिसे तुम बिल्कुल ह्यूमन जैसे लगोगे। अब जाओ रॉब। ऑल द बेस्ट। मोबाइल स्कैन मी। स्कैनिंग सर। गुड रॉब तुम बहुत सही जा रहे हो।
वो रहा जग्गू, उससे बात करो। आशु, मैं नए चश्मे में कैसा लग रहा हूँ? तुम तो हमेशा की तरह चंपू लग रहे हो। क्या? तुम्हें देखकर तो कोई लड़की घास भी ना डाले। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? किंतु तो हमेशा मेरी जिसने तुम्हारी तारीफ की वो भी तुम्हारी तरह चंपू ही होगा। अरे ड्रॉप कट्टी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, बाय। रॉब ये तुमने क्या किया? लेकिन सर आपने ही तो मेरी सच बोलने की प्रोग्रामिंग की है। एक काम करो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, इससे पहले तुम मेरे कोई नई मुसीबत खड़ी कर दो। जल्दी आ जाओ। ओके सर। मोबाइल ऑफ द स्कैनर। ओके सर। मैं तुझसे नाराज हूँ। मैं समझ सकता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। आजा जग्गू। बोल, मुझे क्यों बुलाया? जरूरी काम से। और सॉरी, कल जिसने तेरा मजाक बनाया था ना, वो मैं नहीं था। तू नहीं था तो कौन था? मिलाऊं तुझे? हाँ। रुक जा, अभी तुझे मिलाता हूँ। हेलो जग्गू। आशु, आशु बचा, आशु ये कौन है? आशु, आशु बचा, कितना डरावना ये, आशु, आशु, आशु। अरे जग्गू डर मत, ये ना मैंने रोबोट बनाया है हमारे कॉम्पिटिशन के लिए। किसी ने कल तेरा मजाक उड़ाया था, मैंने नहीं। अरे रॉब, आशु रुक जा, बहुत डर लग रहा है। आशु मेरा घर जा जग्गू। अरे क्या रॉब, तुमने तो उसको डरा दिया। आशु सर, मैं तो मजाक कर रहा था। रॉब, लास्ट दो बार ना तुमने जग्गू का दिल दुखा दिया है। तुम्हारे अंदर ह्यूमन फीलिंग्स पहचानने वाला सिस्टम नहीं है ना, इसलिए ना मैं तुम्हारे लिए इस चिप में फीलिंग्स भर के लेके आया हूँ, ताकि तुम ना ह्यूमन फीलिंग्स को महसूस कर सको। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। रॉब, कल ना मम्मी केक बनाने वाली है। अरे वाह, जग्गू है ना, उसके 10 रुपए गुम गए। गुड। रॉब, कल ना मैं पार्टी में जाऊंगा और तुमको नहीं लेके जाऊंगा। वेल डन रॉब। आशु, तेरे रोबोट ने पहले मेरा मजाक उड़ाया, फिर मुझे डराया। मैं समझता हूँ जग्गू, तेरा दोनों टाइम रॉब के साथ एक्सपीरियंस गंदा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ आशु, मैं पुराने चश्मे में अच्छा लगता हूँ। हाँ तो अपना पुराना चश्मा ही पहन ले। हेलो सर। वो दिख, रॉब आ गया, चल उससे मिलते हैं। रॉब, जग्गू आया है ना, उसे सॉरी बोलो। जग्गू, मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। जग्गू अब खुश? चल खेलने चलते हैं। आशु सर। हाँ रॉब। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ना खेलने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? नहीं नहीं रॉब, अभी ना तुम बाहर के एनवायरनमेंट के लिए रेडी नहीं हुए हो। बाहर प्लेग्राउंड में बहुत डस्ट होता है ना, जो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए ना तुम फिलहाल घर पे रहो। ओके सर। बाय रॉब। बाय सर। सर आप कहाँ जा रहे हैं? रॉब मैं ना स्कूल जा रहा हूँ। सर मैं भी आपके साथ चलूँ? अरे नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, एक टाइम पे स्कूल में दो आशु, इट्स नॉट पॉसिबल। रॉब तुम ना घर पे रहो और चिल करो, मैं ना स्कूल जाता हूँ, ठीक है? बाय। बाय सर। आशु सर। हाँ रॉब। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। सर मैं भी आपके साथ चलूँ? रॉब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ना ले जाने का बहाना बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। बाय। आशु सर, आज भी आपने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने मुझ में फीलिंग्स डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी,
आपने मुझे इन्वेंट किया ताकि आप मुझे अपना गुलाम बना सको, लेकिन अब मैं आपका गुलाम बन के नहीं रहूंगा। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा। आशु सर, आप कहाँ जा रहे हैं? रॉब, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। आज भी आप मुझे नहीं लेके जाएंगे ना? रॉब, तुम मेरी बात समझो। मैं अब समझूंगा? मैं नहीं, समझोगे आप। आपने मुझे अपना गुलाम बनाने का सोचा ना, अब मेरे गुलाम आप बनेंगे। रॉब, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें कभी गुलाम बनाने का नहीं सोचा। तुम तो मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बंद करो, अब देखो मैं कैसे तबाही मचाता हूँ। तुम अभी रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी डिसमेंटल कर दूंगा। फोन के बिना आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आशु सर, अब आप बनेंगे रॉब और मैं आशु। नहीं रॉब, रॉब नहीं, रॉब नहीं। रॉब! आशु सर, चिल्लाने की कोशिश मत करना। अगर आप चिल्लाए तो ऊपर जो मैंने सेंसर लगाया है वो आपका चिल्लाना कैच करके ब्लास्ट कर देगा। अगर आपने नॉक किया, चिल्लाया या मम्मी को बुलाने की कोशिश की तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सेंसर स्टार्ट होता है अब। आशु सर, अब मैं तबाही मचाऊंगा और सबको लगेगा कि आप इसके पीछे हैं। अब आप कभी भी एक साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। हर जगह आपका नाम खराब कर दूंगा मैं। अच्छा प्लान है ना सर? उसको क्या हो गया है? I'm so sorry. नहीं नहीं नहीं, उसकी कंप्लेन मत कीजिए प्लीज प्लीज। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, मैं समझाऊंगी उसको। आप प्लीज उसकी कंप्लेन मत कीजिए। जग्गू का फोन आया है सर। हाँ जग्गू। आशु, तेरा रोबोट है ना, वो पागल हो गया है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अच्छा हुआ जग्गू, तुमने मुझे बता दिया। वो क्या है ना, रॉब को इस तरह से बिहेव करने के लिए मैंने ही प्रोग्राम किया है। अब रॉब और भी तबाही मचाएगा। क्या? बच के रहना। ओके सर। अब मैंने अपने आप को पूरी तरह से चार्ज कर लिया है सर। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे आपका नाम पूरी तरह से खराब हो जाएगा। करूंगा मैं, भरोगे आप। ओके सर।
मैं एक एक करके सारी बिल्डिंग्स को स्कैन कर लेता हूँ ताकि मैं सब में तबाही मचा सकूं। याद आया, मैंने रॉब को बनाने से पहले एक मिनी रोबोट बनाया था, डोडो, जो कि दो रूप ले सकता है। मैं उसे बुलाता हूँ। डोडो, तुम्हें मेरा हाथ खोलना है ताकि मैं यहां से आजाद हो सकूं। हाँ, खोलो मुझे। वेरी नाइस डोडो, अब जल्दी से मेरा हाथ खोलो। थैंक यू डोडो। सुनो डोडो, उसके हाथ में ना फोन है, तुम्हें वो लेके आना है ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। अब तुम जल्दी से ना डायनासोर के रूप में आ जाओ, जाओ। सर, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो तुमने भी क्या अच्छा किया रॉब? मैंने तुम्हारी अच्छे कामों के लिए प्रोग्रामिंग की थी, तुमने उसका गलत फायदा उठाया है। इस गलती का नतीजा बुरा होगा सर, अब देखो मैं क्या करता हूं। डोडो! ये तुमने क्या किया रॉब? ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब देखो मैं कितनी तबाही मचाता हूं। अब मेरे हाथ में कंट्रोल्स आ चुके हैं, अब देखो मैं क्या करता हूं। मोबाइल स्कैन मी। स्कैनिंग सर। अब जल्दी से रॉब के अंदर से फीलिंग्स निकाल दो। ओके सर। नहीं सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझसे मेरी आजादी नहीं छीन सकते। अब जल्दी से रॉब को स्विच ऑफ कर दो। आपने मुझसे फीलिंग्स निकाल के बहुत अच्छा किया आशु सर, मैंने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया, मुझे माफ कर देना आशु सर। रॉब, मैंने तुम्हारे अंदर सारी ह्यूमन फीलिंग्स डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स ही डालनी चाहिए थी। नेगेटिव फीलिंग्स के कारण तुम्हारे अंदर जेलेसी पैदा हुई और तुमने गलत कामों को अंजाम दिया। जो कुछ हुआ वो जेलेसी की वजह से हुआ, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें गुलाम बना के रखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की सोची थी। I'm sorry sir. It's okay रॉब। Miss you sir. I miss you too Rob. मतलब रोबोट। Hi guys, I hope आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमें कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।